नमस्कार आज बात करेंगे अंतरिक्ष से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते कहाँ होंगे उनका वहाँ पर डेली रूटीन कैसे होता होगा वहाँ खाते क्या होंगे और बाकी सारी क्रियाएं उनकी वहाँ पर कैसे चलती होंगी स्पेस वॉक क्या है स्पेस सूट क्या है फिर अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके पृथ्वी पर वापस कैसे आते होंगे इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब को ढूंढने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण जो रोचक तत्व हैं उनको हम बिंदुवार जानने का प्रयास करेंगे पहली बात जो मैंने आपसे सवाल किया कि अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में रहते कहाँ होंगे तो वो जगह है अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आई एस एस ये वो जगह है जहाँ पर वैज्ञानिक रहकर अंतरिक्ष से जुड़े विषयों पर शोध करते हैं आंकड़ों के अनुसार इन अंतरिक्ष स्टेशन को बनाने में लगभग 150 बिलियन डॉलर का खर्च आता है कौन कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जा चुका है वर्तमान में कौन सा अंतरिक्ष स्टेशन है इसकी चर्चा हम आगे क्रम से करने वाले हैं आमतौर पर आप ये भी जानिए कि जो अंतरिक्ष स्टेशन होता है या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है मतलब पृथ्वी के बाहर पृथ्वी से लगभग चार सौ किलोमीटर की दूरी की ऊंचाई पर यह एक ऐसा घर होता है एक ऐसा आधुनिक लैब होता है जहां पर अंतरिक्ष यात्री अपना कुछ समय व्यतीत करते हैं और वहीं पर शोध और या रिसर्च कार्य करते हैं और इसका आकार एक फुटबॉल के मैदान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर होता है और लेकिन ये सिर्फ स्पेस स्टेशन जो है इतने महंगे ही नहीं होते बल्कि वहाँ पर जाने वाले वैज्ञानिक जिस स्पेस सूट को पहनते हैं उसकी कीमत भी लगभग 12 मिलियन डॉलर की होती है और यह भी आपको पता है कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी नहीं होता इस वजह से वहाँ स्पेस स्टेशन के अंदर वैज्ञानिक हमेशा तैरते नज़र आते हैं जब हम धरती से आसमान को देखते हैं तो आपने देखा होगा कि प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस स्टेशन से आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें वो काले रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा देर तक चलने का रिकॉर्ड भारतीय मूल के बगैर स्पेस बॉक का रिकॉर्ड जो है सुनीता विलियम्स के नाम है अंतरिक्ष में जब आप कुछ भी बोलेंगे तो सामने खड़े इंसान को भी सुनाई नहीं देगा क्योंकि आवाज़ को वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई माध्यम मौजूद नहीं है ध्वनि ऐसी तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वहाँ पर वायुमंडल होता नहीं है इस वजह से वहाँ पर सुनने के लिए विशेष प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है यहाँ तक कि वहाँ पर सोना भी मुश्किल काम होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल न होने के कारण आप तैरते रहते हैं आपके पैर यहाँ पर हम पृथ्वी पर क्यों चल पाते हैं हमारे पैर जमीन के साथ क्यों टिके रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है घर्षण बल पाया जाता है इसीलिए वहां पर विशेष तौर पर विशेष प्रकार के स्लीपिंग बैग की व्यवस्था की जाती है तो अब बात करते हैं इन अंतरिक्ष स्टेशनों के इतिहास की तो ये देखिए ये विश्व का पहला स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन था इस अंतरिक्ष स्टेशन का नाम था मीर अब ये जो मीर स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन था यह 20 फरवरी उन्नीस को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया और 23 मार्च 2001 को लगभग भारतीय समय के अनुसार देखें ग्यारह बजकर उनतीस मिनट को इसको नष्ट कर दिया गया क्यों क्योंकि इसका जो समय था वो पूरा हो चुका था जो मीर अंतरिक्ष स्टेशन था वो वास्तव में इसका जो नाम था वह रूसी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ होता है शांति लगभग पंद्रह साल तक अंतरिक्ष प्रवेश के दौरान इसने मानव कल्याण के दृष्टि से अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए और यथा नामों यथा गुणों लोकोक्ति को भी इसने चरितार्थ किया वर्तमान में जो स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन है अब उसकी हम चर्चा करते हैं तो इसको बनाने के लिए लगभग सोलह प्रमुख देशों ने इस पर भाग लिया हुआ है अमेरिका और रूस जैसे शक्तिशाली देश इसको बनाने में शामिल है उन्नीस सौ में इसका सबसे पहला मॉडल रूस के जरिया मॉड्यूल्स में प्रस्तेपित प्रक्षेपित किया गया था और फिर दो नवंबर 2000 से लगातार जो अंतरिक्ष यात्री हैं एस्ट्रोनॉट इस स्टेशन पर कार्य कर रहे हैं इस पर कई सोलर पैनल लगे हुए हैं और इसका जो वजन है लगभग अब देखेंगे कि बहुत ही भारी है लगभग लाखों किलोग्राम इसका वजन है और इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक बार में छः यात्री रह सकते इसलिए आप देखते होंगे कि अक्सर जो है छः यात्रियों को अधिकतम छः यात्रियों को अंतरिक्ष यात्रा पर भेजा जाता है यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी से लगभग दो सौ अड़तालीस मील की औसत ऊंचाई पर उड़ता है और नब्बे मिनट में यह सत्रह हज़ार पाँच सौ मील प्रति घंटे की स्पीड से हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है कहने का आशा यह है कि पृथ्वी का चक्कर लगभग यह एक दिन में सोलह बार लगा लेता है यह भी आप कह सकते हैं कि जैसे चौबीस घंटों के दौरान हमको सूर्य एक बार उदय और अस्त होता हुआ दिखाई देता है लेकिन वहाँ पर लगभग सोलह बार दिखाई देता है लेकिन वहाँ पर जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वो विशेष प्रकार की वाच का प्रयोग करते हैं उनकी घड़ियों का जो समय होता है वो वही समय होता है जो पृथ्वी का समय होता है जिससे उनका भी बायोलॉजिकल क्लाक जो है पृथ्वी की तरह ही रहे और ये देखिए ये है वर्तमान में ये पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर ये वर्तमान में कार्य करने वाला आई एस एस है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जहाँ पर लगभग दुनिया के दो सौ उनतालीस से ज़्यादा अंतरिक्ष यात्री समय गुजार चुके हैं और कोई ना कोई इसमें अंतरिक्ष यात्री हमेशा रहता ही है और जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं उसका शोध के अलावा उनके ये उनका एक कार्य ये भी होता है कि इसकी समय समय पर मरम्मत भी करते रहते हैं ये देखिए इसके अंदर का ये व्यू है ये ये अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो अंतर्राष्ट्रीय ये स्थाई केंद्र है ये उसके अंदर का ये व्यू है यहाँ पर हर अंतरिक्ष यात्री के पास उनके अपने स्पेस सूट होता है उनके पास टेक्नोलॉजी लैपटॉप होता है उनके पास उनको विशेष प्रकार के फूड होते हैं उनको पानी के लिए विशेष प्रकार के पैकेट दिए जाते हैं और जब उनका उत्सर्जन होता है उत्सर्जन भी मलमूत्र का उत्सर्जन भी विशेष प्रकार से किया जाता है और जो यूरिन होती है उसको प्यूरीफाई करके बार बार उसको जल के रूप में उपयोग में लाया जाता है ये इसके मरम्मत करने का व्यू है स्पेस बॉक भी कह लीजिए तो लगभग 19 देशों के दो व्यक्तियों ने अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन का दौरा किया है जिनमें भारतीय मूल की कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी शामिल हैं फिर इसमें पेगी विल्सन जो 2 सितंबर 2017 को 600 टोटल छः दिनों अंतरिक्ष में रहने का इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया था फिर इसमें यह भी ध्यान रखना है कि पूरे स्टेशन में जो अभी जिसकी बात हो रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सिर्फ दो बाथरूम है इसलिए इनको इनके यूरिन का फिल्टर करके इसको बार बार प्रयोग में लाया जाता है और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जब अंतरिक्ष यान से निकल करके जब कोई भी अंतरिक्ष यात्री इस अंतरिक्ष यान से निकल करके अंतरिक्ष में कदम रखता है तो उसे स्पेस बॉक कहते हैं और 18 मार्च उन्नीस को पहली बार स्पेस बॉक रूसी अंतरिक्ष यात्री एलकेसी लियोनोव ने की थी इस आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से जुड़े हुए कुछ रोचक तत्व पहले ही बताया कि ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर उन्नीस को लॉन्च किया गया था इसको विभिन्न हिस्सों को 136 उड़ानों के जरिए भेजा गया है और वहाँ जाकर उनको फिर मकैनिको मकैनिकल के माध्यम से उनको वहाँ पर आर्बिट में सेट किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक की सबसे महंगी परियोजना है इस पर 160 अरब डॉलर का खर्चा आया है अगर भारतीय करेंसी में देखें तो लगभग 11 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इसको बनाने में अमेरिका रूस जैसे देश शामिल है और उनकी संख्या कुल सोलह है और इस तरह से अब तक लगभग उन्नीस देशों के दो सौ उनतालीस एस्ट्रोनॉट इसमें भेजे जा चुके हैं यह स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा से तीन सौ तीस से चार सौ पैंतीस किलोमीटर की ऊंचाई पर गति करता रहता है और चौबीस घंटे में सत्ताईस हज़ार छः सौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है हर बानबे मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेता है और एक दिन में लगभग ये साढ़े पंद्रह चक्कर या कह लीजिए कि लगभग सोलह चक्कर यह पूरा करता है जब दो हजार तेरह में कोलंबिया शटलयान हादसे का शिकार हुआ था तो नासा ने इसको खाली करने का फ़ैसला किया था लेकिन बाद में उसने फिर हर वक्त यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री रखने का फैसला किया क्योंकि ये भी है कि अगर यहाँ पर कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं रहेगा तो इसके खो जाने का खतरा बढ़ जाएगा इसलिए इसमें हर समय कोई ना कोई अंतरिक्ष यात्री ज़रूर रहता है यहाँ पर अन्य कई सारी बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है पानी की यहाँ बेहद कमी होती है इसलिए अंतरिक्ष अंतरिक्षात्री कपड़े धोने सकते हुए एक ही कपड़े को कई दिनों तक पहनते हैं और जरूरत पड़ने पर नए कपड़े से उन्हें बदल लेते हैं फिर सौच करने के लिए अंतरिक्ष यात्री इंग्लिश टॉयलेट जैसी सीट पर खुद को बेल्ट से बांधते हैं ताकि वो उड़ने न लगे और ये सोते समय भी शरीर को बेल्ट से बांधते हैं एक्सरसाइज करते समय भी शरीर को बेल्ट से बांधते क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता वहाँ पर ध्यान रखिएगा वहाँ पर डेली रूटीन में एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वहाँ पर जो शारीरिक गतिविधियाँ हैं वो बहुत ही कम होती हैं जिसके कारण व्यक्ति में कई सारे शारीरिक बदलाव आते हैं जब अंतरिक्ष यात्री वापस लौटते पृथ्वी पर तो कई दिनों तक इतनी सारी उनको शारीरिक और मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि कई दिन तक तो सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं और चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ होते हैं इसी तरह से अंतरिक्ष यात्री जो है पानी का जो प्रयोग है वो बिल्कुल पाइप के माध्यम से करते हैं और वहाँ पर कोई भी चीज़ है वो हवा में गुरुत्कर्षण बल तो है नहीं इसलिए अगर बाहर आते ही वो हवा में तैरने लग जाती है तो इस तरह से वो इस प्रकार के भोजन करते सब ग्रहण करते समय भी इस तरह के चम्मच वगैरह का प्रयोग करते हैं कि अगर वो हवा में उड़े भी तो किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे तो चूँकि यहाँ पर अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है इस वजह से वहाँ पर कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसीलिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले उनको कई बार उनको अलग अलग टेस्ट से गुजरना पड़ता है उनको प्रशिक्षित किया जाता है उनका बार बार परीक्षण किया जाता है उसके बाद ही उनको वहाँ पर भेजा जाता है जो भी मैंने बताया कि न होने के कारण यात्री स्लीपिंग बैग अथवा कंपार्टमेंट का प्रयोग करते हैं और खुद को हल्के स्टेप से बांध लेते हैं तो इस तरह से वहाँ पर कई सारी बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है अब जिस ड्रेस को वो पहन कर जाते हैं वो ड्रेस है स्पेस सूट अब इस स्पेस इस सूट की बात करें तो अब ये देखिए अगर स्पेस शूट नहीं होता तो वहाँ पर चंद्रमा पर जाना या फिर अंतरिक्ष पर जाना ये बड़ा ही कठिन होता तो दुनिया का जो पहला स्पेस शूट बनाया गया था ये 1960 में बनाया गया था और 1960 में जो स्पेस शूट बना था उसका नाम था मरकरी फिर 1969 में जो स्पेस शूट आया उसका नाम रखा गया फोर्टी सेवन माप अपोलो सूट जिसे चांद पर पहला कदम रखने वाले नील अर्मस्ट्रांग और उनके साथियों ने पहना था फिर 86 में नारंगी रंग का स्पेस सूट आता है फिर 2011 में बोइंग ने सबसे हल्के सूट को डिजाइन किया फिर एक निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने 2018 में अपना थ्री डी प्रिंटेड स्पेस एक्स सूट लॉन्च किया 2018 में इसरो ने भी अपना स्पेस सूट लॉन्च किया था अब अगर आप बात करें अंतरिक्ष में जाने की तो आपको पता होना चाहिए कि अंतरिक्ष में मनुष्य से पहले जाने वाला जो जीव था वो कुत्ता था और ये कुत्ता जिसका कि नाम था लाइका इसको उन्नीस में सोवियत संघ यू या रूस ने इसको भेजा था इस तरह से अगर जीव की बात करेंगे पहला जीव जो अंतरिक्ष पे गया वो लाइका नाम का कुत्ता था अब अगर हम कुछ महत्वपूर्ण अंतरिक्ष क्षेत्रों की बात करें तो इनमें आपको कुछ नाम पता है यूरी यूरीगागरीन ये सोवियत संघ वर्तमान रूस के अंतरिक्ष यात्री जो विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री थे करीब एक घंटा अड़तालीस मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद ये धरती पर वापस आए दूसरा नाम वेलेंटीना टेरिस्कोबा दोनों नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है तो पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी यूरीगागरीन लेकिन पहली महिला अंतरिक्ष यात्री विलेंटीना टेरिस्कोबा फिर नील आर्मस्ट्रांग ये चंद्रमा पर जाने वाले पहले इंसान थे और पृथ्वी के उपग्रह चांद की जमीन पर रखा कदम मानवता की लंबी छलांग था ये जिस यान से गए थे वो था अपोलो इलेवन तो इस तरह अपोलो इलेवन नामक अंतरिक्ष यान से नील अर्मस्ट्रांग चंद्रमा के सतह पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे फिर इसी तरह से दूसरे व्यक्ति उनके साथ ही वज एल्ड्रिन थे ये भी अपोलो इलेवन मिशन में नील अर्मा के साथ थे फिर राकेश शर्मा ये भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे और अंतरिक्ष में जाकर इन्होंने भारत का नाम रोशन किया कल्पना चावला प्रथम भारतीय मूल की ये यात्री होने का इनको गौरव प्राप्त है लेक अंतरिक्ष यान हादसे में इनकी जान चली गई सुनीता विलियम्स ये भी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक करने का इनके नाम रिकॉर्ड है फिर कार्ल जी हैनिजे कार्ल जी हैिजे कार्ल, है कार्ल जे हैनीजे अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे अधिक उम्र के अंतरिक्ष यात्री हैं फिर एलेक्सी लेनोब ये अंतरिक्षयान से बाहर निकल अंतरिक्ष में चहल कदमी स्पेस वॉक करने वाले पहले इंसान थे एलेक्सी लेनोब फिर गिरेमान तितोप इन्हें सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री होने का गौरव है इसी तरह से श्वेतलाना सेवित स्काया अंतरिक्ष में स्वेक वॉक करने वाली ये पहली महिला थी फिर अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जैसे चौदह दस उन्नीस सौ सन्तावन ये नाइनटीन फिफ्टी सेवन की महत्वपूर्ण घटना है जब पूर्व सोवियत संघ मतलब आज के रूस ने अंतरिक्ष में पहला उपग्रह प्रमोचित किया फिर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि पहले जाने वाला जो जीव था वो कुत्ता तो ये तीन ग्यारह उन्नीस सौ संतावन को तीन नवंबर उन्नीस सौ सन्तावन को जिस यहाँ से गया वो था स्पूतनिक सेकेंड और इसी से लाइका जो है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित जीव बनता है फिर इसी तरह से जो अगली महत्वपूर्ण घटना थी वो महत्वपूर्ण घटना थी ये बारह अप्रैल उन्नीस जब वोस्टाक प्रथम के द्वारा पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी यूरीगागरीन ने पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी की 12 अप्रैल 1961 को तो पहले अंतरिक्ष यात्री हैं यूरी गागरीन और 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की और जिस यान से की थी वो था बोस्टाक प्रथम इसके बाद बोस्टाक से ही बोस्टाक सिक्स से ये चार दिसंबर उन्नीस को अंतरिक्ष यात्रा करने वाली वेलेंटीना टेरेस्कोबा विश्व की पहली अंत्रि, महिला अंतरिक्ष यात्री बनती हैं फिर अगली महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी ये 1969 जब अपोलो 11 की सहायता से नील अर्मा चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति बने और इसके बाद एडविन एलिन जो है चंद्रमा की धरती पर कदम रखे। धन्यवाद